यू वॉन्ट टू लिव अ पीसफुल लाइफ. सो द थिंग इज फर्स्ट लेट गो. आपको लेट गो करना पड़ेगा उन छोटी बड़ी चीज़ों का जो हर दिन मर्रा के दिन में होता रहता है. मतलब कि कोई कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ आपके ऊपर हंस लेता है, कोई कुछ भी कमेंट पास करके निकल जाता है. उसका ये मीनिंग नहीं सोचना कि अरे उसने मुझे कैसे हंस लिया देख के, अरे उसने मुझे कैसे कमेंट पास कर लिया, अरे इसकी हिम्मत कैसी है वैसे की. नो, आपको समझ में आ रही है चीज़ें कि 99% थिंग इज वट विल हैपन सराउंडेड, वट विल हैपन्स टू यू, बट 1% कंट्रोल इज इन यू, हाउ यू विल रिएक्ट टू इट. तो अगर आपको लगता है कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे उसको रिएक्ट करनी चाहिए, देन आप रिएक्ट करते रहो, सोचते रहो बेमतलब की बातों का मीनिंग. लेकिन अगर आपको दिमाग नहीं देना है बिकॉज यू आर वेरी मच फोकस्ड इन योर लाइफ कि ठीक ठीक है यार, मतलब आपका ध्यान ही नहीं जाएगा कि ठीक है हंस लिया तो हंस लिया, कोई बात नहीं, क्या है, ठीक है ठीक है ना, हंस लिया तो कोई हंस लिया, इसमें क्या बड़ी बात है. देखो सेम चीज़ है, अगर आप बोलो अच्छा इसने ऐसे कैसे कर दिया, इसका ऐसे कैसे इसकी हिम्मत है, एक ही सेंटेंस बट द वे यू स्पीक द सेंटेंसेस टू योर सेल्फ दैट मेक्स अ बिग इम्पैक्ट. सेम चीज़ को अगर आप कैसे बोलते हो अपने आप से, अगर आप वही अगर आप सही से नहीं बोलोगे, इफ यू आर नॉट स्पीकिंग द थिंग दैट डज नॉट एक्चुअली मैटर्स टू यू, देन इट विल नेवर मैटर. ठीक है, अगर इफ़ यू विल स्पीक द थिंग्स लाइक कि अरे उसकी कितनी हिम्मत, ऐसे कैसे बोल सकता है, मुझे बोल सकता है, अगर जिसकी जो चीज़ को आप जितना माइंड करोगे ना, उस चीज़ आपको उतनी मैटर करेगी. लेकिन आप जिस चीज़ को इतना लेट गो करोगे, क्योंकि आपके पास हज़ार चीज़ें हैं काम करने के लिए, देन यू विल बी लाइक ओके यार ठीक है, क्या बोल दिया तो बोल दिया, कोई बात नहीं, उसकी बातों से मुझे थोड़ी फर्क पड़ता है. देखा हाउ मच इट्स ईजी टू लेट गो. तो चाहे बुरी से बुरी चीज़ें हो, अच्छी से अच्छी चीज़ें हो, जस्ट लेट गो. क्योंकि मुझे अपना काम करना है, मुझे लाइफ में आगे बढ़नी है, मुझे एक्चुअल में मुझे अपने काम में आगे जाना है. इट्स एज सिंपल एज दैट. सो पता है द सक्सेसफुल पीपल हु आर सक्सेसफुल, लोग वो नहीं होते जो डेली हार्डवर्किंग, मतलब हार्डवर्क चाहिए, सब कुछ चाहिए, बट सक्सेसफुल मोस्ट ऑफ द सक्सेसफुल पीपल ना वो ऐसे ही होते हैं इस माइंड सेट से कि 99% चीज़ों को वो रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है. उनके पास वो 1% टाइम है कि यार यार मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, इसको भी देखना है, मेरे फैमिली देखना है, रिलेशनशिप है, फैमिली है, हेल्थ है, सब कुछ है. तो मुझे मेरे 1% में एक दुनिया दिखती है, तो 99% चीज़ विल नेवर मेक मी बॉदर. तो वो ऐसे ही माइंडसेट लेके चलते हैं, तो उनको एक्चुअल में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है. और वही चीज़ है, अगर जितना आप माइंड करोगे ना कोई चीज़, वो आपको इतनी बड़ी लगेगी. लेकिन आप बोल दोगे कि ठीक है यार इसकी इतनी क्या समझ है, वो ऐसे बोल देगा तो मैं थोड़ी रिएक्ट करने वाली हूँ, ठीक है कोई ना बोल दिया चलता है. यू विल जस्ट से इट लाइक दिस, एंड दिस इज द मेच्योरिटी, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग कि नहीं ठीक है, मतलब मुझे एक्चुअली में इतने टाइम ही नहीं है इन सबसे ये करने के लिए, सो जस्ट लेट इट बी, इट्स ओके, इट्स फाइन. ओके, तो दिस इज द, जब आप अपने लाइफ में इतने फोकस हो जाते हो ना, आपको नहीं सोचना पड़ता है कि इसको मैं कितनी रिस्पॉन्ड करूँ, कितनी रिएक्ट करूँ. आप नहीं करते हो, आप बोल देते हो कि ठीक है कोई बात नहीं, गलती हो गई कोई बात नहीं. सो योर वर्ड्स विल बी लाइक दिस बिकॉज अगेन आपको अपना काम करना है, आपको अपने काम से मतलब है, यू आर जस्ट फोकस्ड टू योर गोल. तो वही गोल, आप जब जितना क्लियर हो रहोगे ना अपने गोल के लिए, आप उतना 99% चीज़ों को लेट गो करोगे, एंड यू विल नेवर रिएक्ट टू दोज काइंड ऑफ थिंग्स. ओके, सो दिस इज द थिंग्स विद दैट वी हैव टू लर्न कि अगर ये चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ना, छोड़ो ना ये इंसान ही इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्यों इसके बारे में लेके सोचना. सो दिस इज हाउ यू कैन मेक योर लाइफ लिटिल बिट सिंप्लीफाई सो दैट यू नो आप अपने लाइफ में ग्रो कर सको एंड यू बिकेम सो मच बेटर इन योर लाइफ.